हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 9 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 10वां चैप्टर है। इसमें देखेंगे हम लोग जीवों में श्वसन। याद रखिए, इसमें आप लोगों को कोई ऐसा भी एक भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं भी जानता हूँ कि देख रहा हूँ कि इसे नहीं लगेगा आपका मन पढ़ाई पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह से लिखी गई है बहुत ही सरल शब्दों में, आपको लगेगा कि मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो आप लोगों को एक बार जरूर अच्छे से सुनना है, और लास्ट में जो निष्कर्ष बता दिया जाता है आपको, तो आपको बीच में हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर बीच में आप लोग हड़बड़ा कर छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। और ये भी क्लियर रखिए कि अगर आप लोग पीसीएस या सिविल सर्विस अगर निकालना है तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो पढ़ना भी जरूरी है। तो इसलिए धैर्य के साथ पढ़िए, सब कुछ समझ में आता जाएगा, ठीक। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता दिया जाता है कि आखिर इस अध्याय का निष्कर्ष क्या था, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं 10वें चैप्टर में। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगा। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं आखिर। सांस लेना श्वसन विक्रम का एक चरण है। आइए हम इसी के बारे में, श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे इसी से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं उनके बारे में। हम श्वसन आखिर सांस लेते क्यों? अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। याद रखिए, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिसे हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते सोते या फिर पढ़ते समय भी उष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से आके? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन यानी कि सांस लेने की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडित हो सकता है, यह विक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। जब वायु का महत्व नहीं रहेगा उसमें भोजन के विखंडन में, तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ग्लूकोज
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें हम लोग अवायवीय जीव कहते हैं, जिनके लिए वायु का कोई महत्व नहीं रहता है, उन्हें हम लोग अवायवीय जीव कह सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। आपको ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो ये आपका बदलेगा एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ईस्ट एक कोशिक जीव है, ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस क्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। इनका प्रयोग उपयोग शराब वाइन बियर बनाने के लिए करते हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकते हैं। वास्तव में अपक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकती हैं। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह आपका लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बदले में लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो याद रखना, लैक्टिक अम्ल के कारण। ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, लेकिन जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है इस संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का जो संचरण होता है वो बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। श्वसन, आपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपको क्या महसूस होगा? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोककर रख सकें। एकदम सांस रोककर मत बैठ जाना, पता चला राम राम सत्य हो गया, ठीक है? अतः आप जान गए होंगे कि आप सांस बिना लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत विक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है कि एक अंतः श्वसन एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने का प्रयास करते हैं। इस क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हम यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार
उच्छ्वसन करते हैं। अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 2 में लिख सकते हैं, इसमें 10.1 में विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से करना है। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन सांस लेने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है या भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? कोई व्यक्ति वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेना लेता है और बाहर निकलता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन में 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आपको इस क्रियाकलाप इस तरह की जो भी प्रयोग हुआ करेंगे इन्हें पढ़ के निकल जाया करिएगा। करने नहीं बैठ जाना है कि आप सोचो कि आप इसे प्रयोगशाला में करके बैठ जाए। आपको बस एक बार पढ़ के निकल जाना है। जब आप उनींदी होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती है, यानी कि नींद में होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम, किसमें सबसे अधिक होती है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन दर की बढ़ती दर के क्रम में देखना है। नॉर्मल सी बात है, जब आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे श्वास की दर बढ़ जाएगी और अगर आप लोग आराम करोगे श्वसन की दर कम हो जाएगी। हम श्वास कैसे लेते हैं, आके बात करते हैं हम श्वास लेते कैसे हैं। सांस, अब हम सांस की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों यानी कि नसा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती फुफ्फुस में, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्य पट कहलाती वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती। इस तरह से मानव श्वसन तंत्र है आपका। ये आपके फेफड़े हो गए, ये आपकी पसलियां हो गई सुरक्षा दे रही हैं और ये आपका डायफ्राम हो गया। देखिए ये आपके फेफड़ा है, ये आपकी श्वास नली हो गई ग्रसनी और एक मुख गुहा हो गया, ये आपका नसा गुहा हो गया। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यदि गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती और वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के निकालने के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल ली जाती है। ठीक है, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे आपकी धूल पराकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नसा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं, जो बाल होते हैं नाक में उसमें फंस जाते हैं। यदि भी कभी कभी ऐसे कण नसा गुहा के बाहर चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही
हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सावधानी बरतें, जब हम छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। ये आपका अंतः श्वसन, ये उच्छ्वसन। जब सांस लेंगे हम लोग तो डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा और पसलियां बाहर की ओर गति करेंगी, इस तरह वायु आपकी अंदर जाएगी। फिर वायु बाहर निकालेंगे जैसे ही, तो डायफ्राम आपका ऊपर की पूर्व की स्थिति में आ जाएगा और पसलियां आपकी अंदर की ओर गति करेंगी, वायु बाहर की ओर निकल जाएगा। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर की गति को अनुभव कीजिए। धूमपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, धूमपान कैंसर भी समझते हैं, इससे अवश्य बचना चाहिए। ये निष्कर्ष तो आपका हर जगह देखने को मिल रहा है, पर भी समझ में नहीं आता है लोग। आगे बात करते हैं, यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्त हुआ कि आमा में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या सकती है। क्या ना आप इस क्रियाकलाप के बारे में सहपाठियों के साथ चर्चा करें। क्रियाकलाप 10.4, एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का अमाप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्थापित होने पर वक्ष का अमाप लीजिए। बताइए कि किस सहपाठी को अधिकतम विस्तार हुआ है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल मॉडल के रूप द्वारा समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 10.5, प्लास्टिक की चौड़ी मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पैंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कर में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरे पर दो गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए, उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट बांधकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले फिसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार के नीचे की ओर खींचे और गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए, गुब्बारों को देखिए, क्या आपके गुब्बारे में कोई परिवर्तन हुआ है। इस तरह से इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है, अब आप श्वसन की क्रिया को समझने में समर्थ हो गए होंगे। ठीक है, हम सांस में बाहर क्या निकालते हैं, जो हम उच्छ्वसन करते हैं उसमें हम आखिर निकालते क्या है बाहर। कोई अपनी पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताजा बना चूना का पानी लीजिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ यानी कि नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ जा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। इस तरह से फेफड़े अंतः श्वसित वायु 21% आपकी ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और उच्छ्वसित में सांस निकालने में 16.4% आपकी ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, हम क्या उच्छ्वासित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी सांस बाहर निकालते समय उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो
उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं? बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, भेड़, मेढक, छिपकली, सूर्य, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं के वक्षगहों में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के जैसे फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? इसे भी जानते हैं। कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर के पास भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या फिर वातक कहलाते हैं। ये आपका श्वास प्रणाल तंत्र। समर्थ वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों से में जाकर शरीर के ऊतकों में उस विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। कैंचुआ। कक्षा छठवीं के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि कैंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। कैंचुओं की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय पीतित होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। जल में श्वसन आखिर किस तरह से होता है, उसे भी बात करते हैं। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? वे जल में श्वसन कैसे करते हैं जो जल में रहते हैं? आपने कक्षा छठवीं में पढ़ा था कि मछलियों में किलोम या गिल पाए जाते हैं। किलोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। किलोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। ये हैं आपके मछली में श्वसन तंत्र। क्या आप सोच रहे होंगे कि किलोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं? किलोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। बात करते हैं क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी, पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसा कि आप कक्षा छठवीं में पढ़ चुके हैं, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो क्या कहता है, रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक विक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी कि जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं। वायु अवकाश मूलों मृदा के कण। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाने शब्द की परिभाषा। वायवीय श्वसन देखा है, अवायवीय श्वसन देखा है, श्वसन दर देखी है, कोशिकीय श्वसन देखा है, डायफ्राम देखा है, उच्छ्वसन देखा है, किलोम देखा है,
फेफड़े देखें, श्वास नली देखिए, अंतः श्वसन देखा है, श्वास रंध देखा है, श्वास प्रणाल देखा है, और हमें इन्हीं शब्दों की परिभाषा जानने की कोशिश करना है इन अध्याय में। ठीक है, तो आपने इसमें क्या क्या सीखा है? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य, यह जीवों द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायवीय शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम लोग श्वसन अवायवीय श्वसन कहते हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों की विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं, उच्च श्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। कैंचुओं में गैसों का विनिमय उनकी आद्य त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से श्वसन क्रिया होती है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो इसमें आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, वो बेहतर है क्योंकि उससे बेहतर कुछ भी नहीं। आप लोग अच्छे से अगर एक बार पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि 90-95% आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हो जाएंगे। बस आपको मन से पढ़ना है क्योंकि इसमें मन नहीं लगेगा। ऐसी किताब से लिखी गई है साइंस कि बड़े बोरिंग टाइप की लगती होगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, इसके बिना तो कुछ होने वाला भी नहीं है ना। तो चलिए, ये था आपका 10वां चैप्टर। 11वें चैप्टर में बात करेंगे जंतुओं और पादप में परिवहन।